ड्यूटी के दौरान शहीद हुए शिवपुरी के लाल, आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर रोहित चौरसिया को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी गई अंतिम विदाई। 4 साल के मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि। शिवपुरी शहर के शिव शक्ति नगर कॉलोनी निवासी आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर रोहित चौरसिया को आज गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। बिहार के पूर्णिया में 23 सितम्बर को ड्यूटी के दौरान बीमारी के कारण रोहित की मौत हो गई थी। आज सुबह तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिविक शव दिल्ली से सड़क मार्ग होते हुए शिवपुरी पहुंचा तो शहरवासी गमगीन हो उठे। मृतक की पत्नी, माँ और बहन शहीद के पार्थिविक शरीर से लिपट कर दहाड़ मार कर रोने लगी। अपने लाल की मौत से शिवपुरी शहर के लोगों की आंखें नम हो उठी। यहाँ आपको बता दें कि रोहित चौरसिया ने 2002 को आईटीबीपी ज्वाइन की। रोहित की शादी 2009 में हुई थी। उनकी एक 11 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। रोहित आखिरी बार मदुरई आईटीबीपी बेस से जून माह में अपने घर शिवपुरी आया था। इसके बाद उसे नई पोस्टिंग बिहार के पूर्णिया में मिली थी। छुट्टी खत्म होने के बाद रोहित ने 23 जून को आईटीबीपी हेड बेस ज्वाइन कर लिया था। 23 सितम्बर को रोहित का इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया। आज शिवपुरी शहर के मुक्तिधाम में आईटीबीपी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद सब इंस्पेक्टर को अंतिम विदाई दी। हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में तैनात सब इंस्पेक्टर रोहित, इनका अचानक किसी बीमारी के कारण निधन हुआ है। बीमारी के एग्जैक्ट कारणों का अभी पता लगेगा पोस्टमार्टम में। प्राथमिक तौर पर ये सुनने का आ रहा है कि ब्लैक फंगस टाइप कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन इसका अभी केवल सुनने में आया है। एग्जैक्ट रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आएगी। अब इनके निधन से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सभी कर्मी शोकाकुल हैं। इसकी सूचना पूरी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में दी जाती है और जो इनके लिए मरने के उपरांत जो भी भत्ते जो भी सब लाभांश दे होते हैं वो सभी हमारे यहाँ भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में अग्रता पर दिए जाते हैं। और इसमें अगर कोई कंपेसिटेड ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट का भी है, पत्नी या कोई बच्चा अगर योग्य होता है तो योग्यता के आधार पर उसका भी प्रावधान होता है। उस योग्यता में जो आम योग्यता है उससे कुछ छूट दी हुई होती है। बाकी मैं पुनः ये कहूँगा कि हम इससे सब शोकाकुल हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार के इनके बच्चों को ये जो भी लॉस हुआ है, ये हानि हुई है, इसको सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद जय।